Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वैज्ञानिकों ने पिछले कई वर्षों में सौर मंडल पर कई ऐसे सैटेलाइट भेजे हैं जिनसे पता चलता है कि पृथ्वी के समान अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। जैसे प्लूटो और मंगल के बारे में अक्सर कई रिसर्च सामने आते हैं, और हाल ही में एक अनोखे ग्रह EPIC 24639347B की खोज हुई। महज 7 घंटे में आयु 1251 हो जाएगी। हैरानी की बात है क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं सुना कि किसी मानव की आयु 1251 साल हो सकती है। दरअसल केपलर टेलीस्कोप ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जिसे अंतरिक्ष का सबसे तेज ग्रह कहा जा रहा है, लेकिन इस ग्रह के बारे में अभी प्रामाणिक तौर पर पता नहीं लग पाया है कि एक दिन में यह कितने घंटे का वर्ष होगा। अभी तक ट्रैक किए गए आंकड़ों के मुताबिक यही स्पष्ट हुआ है कि यहाँ 7 घंटे का एक साल रहेगा। फिलहाल वैज्ञानिक इस ग्रह पर शोध कर रहे हैं। अगर केपलर टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए इस ग्रह पर यह बात सही निकलती है तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के हिसाब से यहाँ 7 घंटे में ही उम्र 1251 साल हो जाएगी। इस ग्रह की स्थिति ऐसी है क्योंकि ग्रह का सूर्य की परिक्रमा करने का समय केवल 6.7 घंटे ही है। केपलर एक ग्रह अन्वेषी यानी प्लैनेट हंटिंग टेलीस्कोप है जो अब तक करीब 2300 ग्रहों की खोज कर चुका है। इस नए ग्रह की उसने धरती के एकदम पास ही खोज की है। केपलर ने वर्ष 2013 में K2 मिशन की शुरुआत की थी। उस वक्त EPIC 24639347B नाम का अनोखा ग्रह खोजा गया। पृथ्वी से करीब होने के बावजूद इसे मानवीय कॉलोनी के तौर पर विकसित करने की कोई संभावना नहीं है। यह ग्रह पृथ्वी से करीब 5 गुना बड़ा बताया जा रहा है। इस ग्रह में भारी पत्थर मौजूद हैं जिसमें 70% तक आयरन होने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने योग्य नहीं बताया जा रहा। सौर मंडल के बाहर सबसे पहला ग्रह जो खोजा गया था वो था 51 पेगासी B। यह ग्रह सूरज जैसे तारे का चक्कर काटता है। साथ ही अब तक 429 बाह्य ग्रह खोजे गए हैं। इनमें से 89 को गर्म बृहस्पति की श्रेणी में रखा गया है। अनोखे ग्रह की श्रेणी में एक दूसरा नाम भी है, गर्म नेपच्यून। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।